सो हाय एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर मेंटर आकाश त्यागी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है फॉर नीट 2024 वाले बच्चों के लिए। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन को दबा लो, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज होती है नीट से रिलेटेड, नीट 2024 से रिलेटेड, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, तो जल्दी से अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, सो दैट तुम तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जो नीट 2024 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे 11 मई 2023 का ये आर्टिकल है। हुआ ये कि NCPCR जो कि एक चाइल्ड राइट्स का कमीशन है, इसने एक रिक्वेस्ट डाली NTA के सामने कि भाई आप एक काम करिए, नीट का जो एग्जाम है वो एक साल में दो बार कराइए, ठीक है। नीट UG मस्ट बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर सेज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये किस बेसिस पे हुआ? क्योंकि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन AISU ने बोला चाइल्ड राइट्स कमीशन को कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं नीट के एग्जाम के दौरान, ठीक है। एक ही साल उनको मिलता है, उसी साल में उनको अपना एग्जाम देना होता है, क्वालिफाई करना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप नीट के एग्जाम को एक साल में दो बार कराइए, सो दैट वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली बात, द रिक्वेस्ट क्लेम्स द होल्डिंग द नीट UG ट्वाइस अ ईयर वुड बी अ ह्यूज रिलीफ फॉर एप्लीकेंट्स, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल हैव अनदर चांस टू ट्राई द मेडिकल सीट्स इफ दे आर अनसक्सेसफुल ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम हैविंग टू वेट एन एंटायर ईयर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है, किसी वजह से रह जाते हैं, तो एक साल का पूरा वेट ना करना पड़े, उसी साल उनको दूसरा अटेम्प्ट मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है कि यार इस साल में मुझे एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, ठीक है। एंजाइटी, प्रेशर, इन बहुत सारे कारणों से बोला गया कि भैया नीट के एग्जाम को दो बार कराइए एक साल में, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहां पर क्या होता है, NCPCR NTA के पास में एक रिक्वेस्ट डालती है कि भाई ये AISU की तरफ से आया और ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करो, नीट को एक साल में दो बार कराइए। अब देखो इसमें रिप्लाई क्या आता है NMC का, ठीक है। आज ही क्या होता है, जून 2027 में बच्चों 2023 को इसका एक रिप्लाई आता है। NMC has sent a response to all India Students Union AISU on their request to conduct the NEET UG exam twice a year to reduce the stress of the aspirants. The commission has straight away denied the request. AISU said it is disappointing. तो हुआ ये बच्चों के NMC ने इसको स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया, ठीक है। क्या बोला उन्होंने और उन्होंने क्या रीजन दिए वो भी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन NMC has sent a letter to AISU to respond on the possibility of conducting NEET UG exam twice a year. Starting this year, NMC has said that they have no such plans. तो 2024 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला और most probably अभी उससे आगे भी ऐसा कोई plan NMC का नहीं है। इसके रिप्लाई में AISU ट्वीट करता है कि received response from NMC on the representing requesting NEET UG to be conducted twice a year. Their reply highlights financial challenges and burden on government resources. जो उनका response है वो disappointing है for AISU. तो हुआ क्या कि NMC ने एक लेटर दिया, उसमें बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे। नीट एग्जाम को एक साल में दो बार कराना बहुत आसान काम नहीं है। एक बार एग्जाम होने के बाद जब काउंसलिंग होती है तो मेडिकल सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो जाती है, तो उसके बाद कोई मतलब बनता नहीं है दोबारा नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराना। तो यहां पे क्या होगा, बहुत सारा बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट रिसोर्सेज के ऊपर, फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, कमीशन के ऊपर। तो इस वजह से यहां पे इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया है और ये आपको समझ आना चाहिए कि 2024 में ऐसा नहीं होने वाला, आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको एक अटेम्प्ट ही मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। तो 2024 वाले, 2025 वाले अपने आराम से तैयारी करो, ठीक है ना, एक साल में तुम्हें एक ही अटेम्प्ट मिलने वाला है। ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय एवरीवन, बाय गाइस। और हाँ, किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। बाय एवरीवन, बाय गाइस।